दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल का रैम और स्टोरेज कैसे चेक करेंगे। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि उनके मोबाइल का क्या स्टोरेज है, क्या रैम है, लेकिन रियल में उनको पता नहीं होता है कि उनके मोबाइल का रैम क्या है, क्या स्टोरेज है। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। तो हम ये सारी चीज़ें आपको EMI के मोबाइल में बता रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना है। जब आप अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करेंगे तो ये हम कर रहे हैं Redmi के फ़ोन में। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अबाउट फ़ोन में, क्लिक करना है। जैसे आप अबाउट फ़ोन में क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा डिवाइस नेम। तो यहाँ से आप डिवाइस का नेम चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टोरेज। यहाँ से आप स्टोरेज चेक कर सकते हैं कि कितनी स्टोरेज है आपके मोबाइल में, कितनी खाली है, कितनी अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे देती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे MIUI वर्ज़न आपको दिखाई देता है, यहाँ पे एंड्रॉयड वर्ज़न दिखाई देता है, यहाँ पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट दिखाई देता है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑल स्पेस पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑल स्पेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रैम 6 GB है वो दिखाई देगा। इसके बाद CPU आपका क्या है वो दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मॉडल जो है वो दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे देता है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपके मोबाइल में कोई और जगह पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमने जो आपको बताया है ये Redmi के मोबाइल में बताया है, MI के मोबाइल में बताया है। तो MI के मोबाइल में इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।